गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फन विद टाइगो। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय व्यूज अबाउट माय गोल्डन रिट्रीवर। सो व्हेन आई बॉट माय गोल्डन रिट्रीवर, आई आल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स। सो लेट्स वीडियो स्टार्ट। जब मैंने गोल्डन रिट्रीवर को ख़रीदा था तो मुझे भी बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ी थी। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, यही मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आप ट्रेन कैसे कर सकते हैं, और जैसा कि पी की आदत बाहर आप डलवाइए, स्टूल की बाहर आप डलवाइए। पी मतलब जो टॉयलेट करता है डॉगी, और स्टूल मतलब जो पॉटी करता है डॉगी, वही सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो पपी है उसको क्या चीज़ पसंद है। मतलब कि इस तरह बेसिक में तो आप ट्रीट्स दे सकते हो, बट आई सजेस्ट यू कि जिस चीज़ के लिए आपका डॉगी कुछ भी करने को तैयार हो जाए। फॉर एग्जांपल माय रिट्रीवर, मैंने सबसे पहले उसको ट्रीट दिया था, बट अभी मैं चपाती मतलब रोटियां देता हूँ। तो रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैं देता हूँ, और जब भी वो कोई अच्छा काम करता है, जैसे कि मैंने कम बोला वो आ गया, उसके बाद मैंने बोला सेट तो बैठ गया, शेक हैंड बोला मैंने तो हाथ को मिला लिया। तो हर एक स्टेप पे आपको छोटे छोटे जो चीज़ आपके डॉगी को पसंद हो वो आप दे सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया ट्रेनिंग का, दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो आप पी, जैसे कि मैंने बताया, पी आप कैसे बता सकते हो, उसको सही करवा सकते हो। उसकी घर में बार बार वो पी कर देता है, आपको बाहर डलानी है उसकी आदत। सो उसको जब अंदर करे तो उसको आप डांटिए। आप एक पेपर का टुकड़ा बना सकते हैं, स्टिक ले सकते हैं, उसके उसको मत पीटिए, क्योंकि वो तो पपी है, वो तो करेगा ही। बट उसके सामने आप उसको टाइल्स है या फिर जो भी सरफेस है आपका, उस पर आप पीटिए, उसको डराइए, उसको थोड़ा डांटिए कि यहाँ नहीं करते बेटा, बाहर करते हैं। फिर आप उसको जब जैसे लंच हो गया या डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, इसके जस्ट आफ्टर आप जब उसको बाहर लेके जाते हैं, तो जब वहाँ पर वो टॉयलेट करे और स्टूल करे, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो तुरंत आफ्टर दिस बोथ थिंग्स आप उसको ट्रीट दीजिए। ट्रीट के फॉर्म में आप उसको ट्रीट, मींस सॉफ्ट बिस्किट च्यूइंग का आता है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों सर्च हर जगह अवेलेबल है, तो आप जो है इसको दे सकते हो। वरना जैसे कि मैंने बताया आपको कि चपातीस भी दे सकते हो और बिस्किट्स दे सकते हो। बिस्किट्स बस गोल्डन रिट्रीवर को, हमारे ऐसा मेरे वेटरनरी डॉक्टर ने बताया था कि गोल्डी मतलब ये जो मॉम्स मैजिक बिस्किट्स आते हैं और मीठे बिस्किट आते हैं, दीज आर नॉट गुड फॉर माई गोल्डन रिट्रीवर। सो दैट इज़ व्हाई आई एम ऑलवेज गिविंग माई चपातीज एंड बेसिक नेचुरल थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें करने पे आप ट्रेन कर सकते हो। और ऐसा मतलब पुराने लोग कहते थे कि 6 मंथ्स का हो जाता है तो गोल्डन रिट्रीवर, मतलब गोल्डन रिट्रीवर की बेसिकली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 6 मंथ्स का हो जाता है तो जो है उसको ट्रेन करना मुश्किल होता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि ट्रेन किया ही नहीं जा सकता, बट हाँ कि आप ट्रेन जो है थोड़ा होता है ना, ऐसे 6 महीने के पहले जो होता है डॉगी वो जल्दी सीखता है, और जो 6 महीने के बाद की एज होती है उसमें थोड़ा कठिनाइयाँ आती हैं सिखाने में। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप सिखा नहीं सकते हुए, और जब तक वो रहता है तब तक, जब जब वो अच्छा काम करे तब तक उसको ट्रीट दीजिए, और तब तक वो समझता जाएगा कि हाँ, मैंने अगर बाहर किया था तो मुझे इन्होंने ट्रीट दिया, और मैंने अगर मैं घर में करता हूँ तो ये हमको डांटते हैं, मतलब हमको बाहर करना है, तो उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप ट्रीट दे के ये पी और स्टूल का ये दोनों आदत आप पकड़ा सकते हो। बात आई ट्रेनिंग की, तो हर एक ट्रेनिंग जो आप देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सेट बैक, बैलेंस एंड शेक हैंड, अप डाउन, स्लीप एक्सेट्रा, जो भी आप ट्रेनिंग देना चाहते हो, शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे गोल्डन रिट्रीवर के साथ भी मेरा आया था, तो
आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब उसको आप सीट बोलिए नहीं बैठेगा, तो उसके पीछे हल्का सा आप प्रेस करिए बॉडी पे और अपने आप बैठ जाएगा। तो उसको बोलिए इससे तुरंत आप दे दीजिए एक ट्रीट, फिर हल्का हल्का टाइम को इंक्रीज करिए, टाइम को इंक्रीज करिए। जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज करेंगे, फिर जैसे आप बोलेंगे कि टाइगर, जो भी आपका डॉगी का नाम है, बोलेंगे टाइगर सेट या बेला सेट या लूना सेट, जो भी नाम है आप बोलेंगे सेट, तो वो बैठ जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है। उसके बाद उसे समझ में आएगा कि हाँ मैं बैठ गया हूँ, और ये बात समझ में आएगी कि हाँ मैं बैठ गया हूँ तो मुझे अब ट्रीट मिलेगी। सो इन सारी चीज़ों से वो समझ सकता है और समझेगा, मुझे पता है कि समझेगा, क्योंकि मेरे गोल्डन रिट्रीवर के साथ भी यही हुआ है। और जैसे कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई डॉगी लेता है और फिर उससे परेशान हो जाता है तो उसे लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग को मैंने देखा। सो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे, बिकॉज आपको ना बताओ तो मैं बताना चाहूँगा, इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आता है डॉग को छोड़ने में, डॉग को ऐसे लावारिस छोड़ने में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि अगर हमने डॉग लिया या तो हम लेते ही ना, और अगर हमने लिया है तो उसको पालना हमारा कर्तव्य है। स्टूल और पी का और ट्रेनिंग का तो मैंने बता दिया है कि सबसे जो मेन थीम होता है वो है कंसिस्टेंसी और ट्रीट। तो कंसिस्टेंसी इन द नॉट सेंस कि आप मतलब कंसिस्टेंसी हर एक घंटे पर करिए, बट हाँ एक दिन में 6 से 7 बार उसको ट्रेनिंग दीजिए, सेम ट्रेनिंग दीजिए, फिर आप जब वो सीख जाए तो उसको करते रहिए, फिर आप अगली ट्रेनिंग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते आपका डॉग जो है ट्रेन हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी टॉपिक रहेगी कि जो जो मैंने ट्रेनिंग बताई है उसका एक लाइव परफॉर्मेंस। तब तक के लिए बाय।